दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार के टॉप बड़ी न्यूज को देखेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। चलिए पहली खबर में देखिए, बिहार में उपचुनाव हुआ खत्म। मोकामा में 53.45% और गोपालगंज में 51.48% वोटिंग। वहीं आरजेडी प्रत्याशी ने 11 पर एफआईआर कराई। जी हां देखिए, मोकामा और गोपालगंज विधानसभा सीट पर उपचुनाव की वोटिंग खत्म हो गई है। मतदान शांतिपूर्ण रहा, कहीं कोई बड़ी घटना नहीं हुई है। गोपालगंज में 6 बजे तक 51.48% और मोकामा में 53.45% वोटिंग हुई है। वहीं देखिए, गोपालगंज से राजद प्रत्याशी मोहन प्रसाद गुप्ता ने 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। गुरुवार को उन्होंने नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। आवेदन में उन्होंने नामांकन रद्द होने की अफवाह फैलाने का आरोप लगाया है। वहीं देखिए, इसमें भाजपा AIMI और भाजपा कार्यकर्ताओं को नामजद किया गया है। SP आनंद कुमार ने इन लोगों को हिरासत में ले लिया है। तो वहीं दूसरी तरफ में देखिए, मोकामा और गोपालगंज सीटों पर राजद ने किया जीत का दावा, कहा दोनों सीट जीतेंगे, भाजपा की हार तय। जी देखिए, राजद ने मोकामा और गोपालगंज विधानसभा सीट उपचुनाव में जीत का दावा किया है। पार्टी प्रवक्ता चित्रंजन गगन ने कहा कि चुनाव में भाजपा कहीं नहीं टिकी है। वहीं देखिए, दोनों क्षेत्रों के मतदाताओं में महागठबंधन उम्मीदवार के समर्थन में जबरदस्त उत्साह का माहौल था, जबकि भाजपा समर्थकों में मायूसी छाई हुई थी। वहीं देखिए, आगे उन्होंने कहा कि आज के मतदान में सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि महागठबंधन उम्मीदवार को सभी वर्गों और समुदाय का समर्थन मिला है। भाजपा को तो अपनी हार का एहसास 2 दिन पहले ही हो गया था। तो वहीं देखिए, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं लोक लेखा समिति के सभापति तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि मोकामा और गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित है। उन्होंने कहा कि दोनों विधानसभा क्षेत्रों में संपन्न हुए इस उपचुनाव में मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह दिखा है, खास करके युवाओं और महिलाओं मतदाताओं में मतदान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रत्येक क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी सरकार के विकासवादी एजेंडों को प्रमुखता देते हुए वोट किया है। आप हमें नीचे कमेंट करके बताएं कि कहां से कौन पार्टी जीतने वाली है। दूसरी तरफ में देखिए, उपेंद्र कुशवाहा का दावा, जीत रहे हैं दोनों सीट। हार के डर से सुशील मोदी कर रहे हैं बेकार की बातें, बीजेपी के कई लोग जदयू के संपर्क में। जी देखिए, बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार उपचुनाव को लेकर बड़ा दावा पेश कर दिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बिहार में गोपालगंज और मोकामा में हो रहे उपचुनाव में बीजेपी की हार होनी तय है, इसलिए बीजेपी द्वारा मतदान केंद्र पर धांधली का आरोप लगाया जा रहा है। वहीं देखिए, उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी को हार का डर सताने लगा है, इसीलिए वो लोग कुछ भी बेकार का बयानबाजी कर रहे हैं। वहीं देखिए, उन्होंने भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी द्वारा किए गए दावे को लेकर कहा कि वो जो भी आरोप लगा रहे हैं बिल्कुल गलत है, उल्टा अभी भाजपा के कई लोग जदयू के संपर्क में हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इसको लेकर हम जल्द जवाब देंगे, आप भी कई लोग बीजेपी के साथ नहीं है बल्कि हमारे संपर्क में है, इसलिए हार के डर से सुशील मोदी अपने कार्यकर्ताओं को हौसला बढ़ा रहे हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं होने वाला है, हम लोग दोनों सीट पर अपार बहुमत से चुनाव जीत रहे हैं। बड़ी खबर में देखिए, नीतीश का मोदी सरकार पर तीखा हमला, कहा बिहार को मदद नहीं करते हैं केंद्र, बीजेपी के लोग बिगाड़ रहे हैं माहौल। जी देखिए, बिहार के सीएम नीतीश कुमार गुरुवार को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की तरफ से आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में केंद्र सरकार पर जोरदार सियासी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जानबूझकर पिछड़े राज्यों को मदद नहीं कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार की बहुत पुरानी मांग है कि विशेष राज्य का दर्जा, पर केंद्र इस मांग पर कभी ध्यान ही नहीं दिया, काफी बार बातचीत के बाद भी केंद्र सरकार की तरफ से चुप्पी साध ली गई। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यदि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला होता तो आज जिस रफ्तार से विकास हो रहा है उससे दुगुना रफ्तार के साथ विकास होते हुए नजर आता। हालांकि जब से हमारी नई सरकार बनी है तब से हम अपने बल पर बिहार के विकास में और तेजी के साथ जुट गए हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि दिल्ली की सरकार समाज में गड़बड़ माहौल बना रही है, उसका कोई ठिकाना नहीं है, वह कब क्या कर देगी। बड़ी खबर में देखिए, बिहार के सरकारी शिक्षकों के लिए अच्छी खबर, शिक्षा विभाग ने जारी की सैलरी। जी देखिए, बिहार के सरकारी स्कूल के शिक्षकों के लिए खुशखबरी है, उनके लिए एक नहीं बल्कि 2 अच्छी खबर है। शिक्षा विभाग ने समग्र शिक्षा कार्यक्रम के तहत नियोजित प्रारंभिक शिक्षकों के वेतन के लिए 38 जिलों को राशि जारी कर दी है। वहीं देखिए, इतना ही नहीं 43,009 नियुक्त शिक्षकों को अब एक मुफ्त वेतन भी दिया जाएगा, इसकी भी तैयारी शुरू हो चुकी है। वहीं आपको बता दें कि शिक्षकों को वेतन के लिए जो राशि जारी की गई है वो 11,90,44,44,712 है। सरकारी शिक्षकों को उनकी सितम्बर की सैलरी मिलने वाली है। वहीं देखिए, विभाग की तरफ से साफ तौर पर यह बातें कही गई है कि शिक्षकों की सैलरी जल्द से जल्द मिल जानी चाहिए। जिला शिक्षा पदाधिकारी या जिला कार्यक्रम पदाधिकारी इसमें किसी तरह की अनियमितता करे पकड़े जाएगा तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।
बड़ी खबर में देखिए, तेजस्वी ने बिहार में बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार में सभी विभागों में रिक्त पदों पर जल्द होगी बहाली, सरकार तेजी से कर रही है काम। जी देखिए, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने गुरुवार को कहा कि बिहार सरकार का यह प्रयास है कि सभी विभागों को रिक्त को जल्द से जल्द भरा जाए। हर विभाग ने नियुक्ति पत्र वितरण का काम भी शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि देश की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। वहीं देखिए, मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद कक्ष में उर्दू अनुवादकों व अन्य नव नियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र दिए जाने के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ने यह बात कही है। साथ ही देखिए, उन्होंने यह भी जोड़ा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में अमन और भाईचारा कायम रहेगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि महागठबंधन सरकार की जिम्मेदारी है कि सभी चेहरे पर मुस्कान बनी रहे। बड़ी खबर देखिए, बिहार में शराब पीने वाले अब नहीं छुपा पाएंगे अपनी पहचान। जब देखिए बड़ी खबर है, शराब पीकर पकड़े गए शख्स के लिए पहचान छुपाना अब मुमकिन नहीं होगा। उसने पहली दफे शराब पी है या दूसरी बार, इसका पता तुरंत चल जाएगा। वहीं देखिए, अब ऐसे लोगों की पहचान के लिए राज्य सरकार जल्द ही आधार प्रमाणीकरण की व्यवस्था करने जा रही है। शराब पीकर पकड़े गए आरोपितों को जुर्माने पर छोड़ने से पहले उनके नाम पता पर आधार डेटाबेस से रजिस्टर्ड किया जाएगा। एक बार रजिस्टर्ड होने के बाद यदि कोई दोबारा शराब के नशे में पकड़ा जाता है तो वह लाख कोशिश के बाद भी अपनी पहचान नहीं छुपा पाएगा। वहीं देखिए, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक शराब पीकर पकड़े जाने वाले लोगों के आधार से पहचान सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक जिले के मद्य निषेध कार्यालयों में आधार प्रमाणीकरण केंद्र खोला जाएगा। बड़ी खबर में देखिए, बिहार की राजधानी पटना से 2 दिन 4 जोड़ी मेला स्पेशल ट्रेनें चलेगी। जब देखिए, सोनपुर में कार्तिक पूर्णिमा मेले पर भीड़ के मद्देनजर पमोरे 7 व 8 अक्टूबर को 4 जोड़ी मेला स्पेशल सवारी गाड़ी चलाएगा। 7 एवं 8 नवंबर को छपरा, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर एवं सोनपुर बछवाड़ा, बरौनी खंड पर अस्थायी रूप से कुछ गाड़ियों को 1-1 मिनट के अतिरिक्त ठहराव दिया जा रहा है। वहीं देखिए, 7 व 8 नवंबर को चलने वाली ट्रेनों में 05202 और 05201 सोनपुर मुजफ्फरपुर सोनपुर, वहीं 05203 और 05204 सोनपुर छपरा सोनपुर, वहीं 05205 05206 सोनपुर पाटलिपुत्र सोनपुर और 05251 और 05252 सोनपुर पाटलिपुत्र सोनपुर मेला स्पेशल चलाने की तैयारी की जा रही है। बड़ी खबर में देखिए, राज्य में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना से 1.5 करोड़ कन्याएं लाभान्वित होगी। यह देखिए, इस वर्ष राज्य के करीब 1.5 करोड़ कन्याएं मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का लाभ उठा पाएगी। वहीं देखिए, योजना का उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या रोकना, बालिका शिशु मृत्यु दर कम करना, बाल विवाह पर अंकुश लगाना, जन निबंधन कन्या के जन्म को प्रोत्साहित करना, लड़कियों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। वहीं देखिए, जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंदर अधिक से अधिक लाभुकों को पंजीकृत कराने के लिए प्रत्येक दूसरे और चौथे शनिवार को आंगनबाड़ी केंद्र परियोजना स्तर पर विशेष कैंप का आयोजन किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत कन्या के जन्म पर 2000 रुपये, कन्या के शिशु के 1 वर्ष होने पर 1000 रुपये, कन्या के 2 वर्ष पूरा होने पर पूर्ण टीकाकरण कराने के उपरांत वहीं कन्या के शिक्षा हेतु पोशाक के लिए प्रतिवर्ष 600 रुपये, कक्षा 1 से 2 वहीं कक्षा 3 से 5 तक प्रतिवर्ष पोशाक हेतु 700 रुपये, कक्षा 6 से 8 तक प्रतिवर्ष पोशाक के लिए 1000 रुपये, वहीं कक्षा 9 से 12 तक प्रतिवर्ष पोशाक हेतु 1500 रुपये, अविवाहित कन्या के इंटरमीडिएट पास करने पर 25,000 व स्नातक होने पर 50,000 तथा कक्षा 7 से 12 तक प्रतिवर्ष किशोरी स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत 300 देने का प्रावधान है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार ने ठंड ने दस्तक दे दी है, गिरने लगा है तापमान, ग्रामीण इलाकों में छा रहा है कोहरा, बेगूसराय और पूर्वी चंपारण सबसे ज्यादा गर्म। जी देखिए, बिहार में मौसम में लगातार बदलाव जारी है, ग्रामीण और नदी से सटे इलाकों में धुंध और कोहरे की स्थिति अब बनने लगी है। वहीं देखिए, मौसम विभाग की माने तो बिहार में अभी पछुआ हवा की वजह से सुबह और शाम में हल्की ठंड का एहसास हो रहा है। वहीं ग्रामीण इलाकों में लोग पूरी तरीके से गर्म कपड़े का प्रयोग करना शुरू कर चुके हैं। वहीं देखिए, मौसम विभाग के अनुसार पूरे बिहार में ठंड की स्थिति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, ग्रामीण और से सटे इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। वहीं देखिए, मौसम में बढ़ रही ठंड को लेकर डॉक्टरों ने बच्चों और बुजुर्गों को सावधान रहने की सलाह दी है। डॉक्टर के मुताबिक मौसम में हो रहे बदलाव से सावधान रहने की जरूरत है। खबर में देखिए, बिहार पुलिस में 16 नवंबर को बहाल होंगे 10,459 नए पुलिस कर्मी, सीएम नीतीश कुमार देंगे नियुक्ति पत्र। जी देखिए, बड़ी खबर, बिहार पुलिस में बहाल हुए 10,459 नए पुलिस कर्मियों को नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित एक कार्यक्रम में सभी सफल पुलिस कर्मियों को अपने हाथों से नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। वहीं देखिए, सीएम द्वारा नियुक्ति पत्र पाने वालों में 8,246 सिपाही एवं 2,213 अवर निरीक्षक शामिल होंगे, इस बात की जानकारी बिहार के पुलिस मुख्यालय ने दी है। बिहार पुलिस के मुख्यालय द्वारा बताया गया कि पटना के गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र वितरित करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन प्रस्तावित है, जो कि 16 नवंबर को नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा।
कार्यक्रम में देखिए बिहार के स्कूली विद्यार्थियों के खाते में 15 नवंबर तक पहुंचेंगे छात्रवृत्ति व अन्य योजनाओं के 5,000 करोड़ रुपए। जहाँ देखिए बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न लाभों की योजनाओं की राशि इस माह की 15 तारीख तक डीबीटी के माध्यम से खातों में भेजी जाएगी। शिक्षा विभाग का डीबीटी कोषांग इसकी तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है। संभव है कि 15 नवंबर को समारोह पूर्वक 75% हाजिरी की अनिवार्यता पूरी करने वाले लाखों बच्चों के खाते में विभिन्न योजनाओं की तकरीबन 5,000 करोड़ की राशि भेजी जाएगी। आपको बता दें कि 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को इस शैक्षणिक सत्र में मुख्यमंत्री साइकिल योजना की राशि नहीं मिल पाई है। साइकिल के साथ ही पोशाक, छात्रवृत्ति व प्रोत्साहन योजना तथा किशोरी स्वास्थ्य योजना की राशि से स्कूली विद्यार्थी अब तक वंचित है। अब जाकर करीब 5,000 करोड़ रुपए लाभों की योजनाओं के मद में छात्र छात्राओं को देने पर वित्त विभाग की मोहर के बाद शिक्षा विभाग बच्चों तक पहुंचाने में जुट गया है। कार्यक्रम में देखिए 4 साल बाद बदली व्यवस्था, 1.5 करोड़ स्कूली बच्चों को नए सत्र से मिलेंगी किताबें, हर क्लास का अलग रंग। जहाँ देखिये बिहार राज्य के सरकारी व सरकार संपोषित तकरीबन 72,000 प्रारंभिक विद्यालयों में पढ़ने वाले 1.5 करोड़ से अधिक बच्चों को नए शैक्षणिक सत्र 2023-24 का आरंभ होते ही किताबें मिल जाएगी। वही देखिए 4 साल बाद बदली व्यवस्था के तहत पहले से 5वीं वाले सभी प्राथमिक और 6ठी से 8वीं तक के सभी मध्य विद्यालयों में नामांकित हर बच्चे तक निःशुल्क पुस्तक पहुंचाने की तैयारी शुरू हो गई है। वही देखिए बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक निगम ने हर बच्चे के लिए पाठ्य पुस्तक का एक सेट प्रकाशित कर बच्चों तक पहुँचाने के लिए टेंडर जारी कर दिया है। इच्छुक प्रकाशक 21 नवम्बर तक ऑनलाइन टेंडर जमा कर सकते हैं। बाड़ीकर में देखिए देश में ई रुपया का हुआ आगाज। जी हां देखिए देश में मंगलवार को डिजिटल करेंसी ई रुपया की शुरुआत के साथ नए युग का आगाज हुआ। बजट में किए गए घोषणा के अनुसार रिजर्व बैंक ने इस योजना का पायलट परीक्षण किया है। पहले दिन कारोबारियों के लिए थोक खंड में 24 लेनदेन किए गए। डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल सरकारी बॉन्ड खरीदने में किया गया है। वहीं देखिए रिजर्व बैंक के मुताबिक केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी यानी ई रुपया में पहले दिन हुए लेनदेन में सभी 9 बैंक जुड़े रहे। इस दौरान डिजिटल करेंसी तुरंत जारी करने के साथ साथ उसी समय सौदा निपटने की प्रक्रिया जांची गई। बात करें ई रुपया है क्या, तो यह एक वाउचर है जिसे हस्तांतरित नहीं किया जा सकता, यानी केवल वही इसका इस्तेमाल कर सकेगा जिसके लिए जारी किया गया है। साथ ही यह QR या SMS कोड के रूप में होगा, इन्हें स्कैन किया जा सकेगा। सत्यापन के लिए लाभार्थी के मोबाइल नंबर पर एक कोड भेजा जाएगा जिसके जरिए वाउचर से भुगतान हो जाएगा। वहीं इसका इस्तेमाल एक ही बार किया जा सकता है। यह कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस प्रणाली है। वही बड़ी खबर में देखिए सुबह के कई शहरों के बीच चलेगी 62 नई बसें। जहाँ देखिए राज्य के भीतर एक से दूसरे शहर के बीच 62 बसों का परिचालन होगा। बिहार से झारखंड के विभिन्न शहरों के लिए 38 बसें चलाई जाएगी। वहीं देखिए बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के लोक निजी भागीदारी के तहत इन बसों का परिचालन करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए इच्छुक एजेंसियों से 30 नवम्बर तक आवेदन मांगा गया है। वहीं देखिए विभागीय अधिकारियों के अनुसार बिहार के अंदर और राज्य के झारखंड के बीच विभिन्न शहरों के लिए रिक्तियां सामने आई है। यात्रियों को सुलभ परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निगम ने इन खाली रूटों पर बस चलाने का निर्णय लिया है। साथ ही आपको बता दें कि इसके तहत पटना से सीतामढ़ी के बीच 11, लखीसराय से पटना के लिए 4, नवादा से बिहार शरीफ के लिए 8, मधुबनी से पटना के लिए 5, पटना से नवादा के लिए 4, पटना से पूर्णिया के लिए 2, पटना से निर्मली के लिए 2, वहीं पटना से दरभंगा के लिए 2 और पटना से पाली के लिए 2 बसें चलाई जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह बिहार के डेली न्यूज देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।